भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरे भोजन आर्मी में, भोजन बॉय सुमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज भोजन समाज के लिए सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत सारी अपडेट है, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है भाई हमारे भोपाल से। हमारे भोपाल की सांसद महोदया है प्रज्ञा ठाकुर जी, उनका कहना है कि कोरोना से आप लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो अभी जो भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन है ना, तो इस लॉकडाउन में रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़े तो आप 10 दिन के अंदर कोरोना से जीत जाओगे। फूट गई है हम भोपाल वासियों की किस्मत भाई, सही बता रहा हूँ, हमें पता नहीं क्या मिला है सांसद के रूप में। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, नीचे कॉमेंट करो यार। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही धाकड़ खबर से। आपको तो पता ही होगा कहीं पर भी सेक्स रैकेट का खुलासा हो तो सामने वाला बंदा बीजेपी का ही निकलता है, महिला हो या पुरुष हो। भाई अधिकतर देख लो सेक्स रैकेट में खुलासा होगा तो कोई बंदा बीजेपी का नेता निकलेगा, कार्यकर्ता निकलेगा, या फिर बीजेपी के किसी पद पर बैठा हुआ होगा वही निकलता है। तो गाइस यहाँ पर खबर आ रही है आगरा से, एक फार्म हाउस पर सेक्स रैकेट चल रहा था जिसका पुलिस वालों ने खुलासा किया है और बंदा था बीजेपी का एक नेता। तो ये वीडियो देखो, यह पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये फार्म हाउस बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक राणा का है, जिसके बाद पुलिस अशोक राणा की तलाश में भी जुट गई। पुलिस का कहना है इस सेक्स रैकेट में लड़कियों को रखा जाता था और रखने के बाद यहीं पर ग्राहकों को लाया जाता था और कमरे दिए जाते थे और 3 से 4 हज़ार रुपये में ये जो है पैसा वसूला जाता था। इसके अलावा कई सारे होटल से भी इनके संबंध थे, व्हाट्सएप के जरिए वहाँ फोटो भेज दी जाती थी लड़की की, उसके बाद लड़की को या तो होटल भेज दिया जाता था या होटल से वो ग्राहक जो है फार्म हाउस पर लाया जाता था। लेकिन भाई पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, देख रहे हो बड़े तेज हो रहे हैं बीजेपी वाले। सेक्स रैकेट पकड़ाता है तो साले कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ही निकलते हैं ये लोग। पता नहीं सारा का सारा विकास ये बीजेपी वाले ये सेक्स रैकेट में ही पैदा करेंगे क्या, और पता नहीं कैसे करेंगे। अब आप लोग इस बीजेपी वालों के बारे में क्या बोलना चाहते हो, क्या खुन्नस से और कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ तूफानी तो बीजेपी ज्वाइन करो। पूरे रैकेट ये लोग चलाते, इनकी आए दिन फिल्में भी रिलीज होते रहती है फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर। देखे हो कि नहीं देखे हो अभी तक, नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत तेज़ी से देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये मोदी सरकार के द्वारा। चाहे वो भारतीय रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो BSNL हो, सबके शेयर्स बेचे जा रहे हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, नौकरियाँ खत्म करी जा रही है। और इसका केवल एक ही कारण है जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से, आरक्षण खत्म करना। क्योंकि देश में अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और इसको लेकर नवीन कुमार जी का क्या कहना है, जिस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली कंपनी भारतीय रेलवे जो सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो वीडियो देखो। कर डाली है कि रेलवे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्यम है, 1,41,000 पद तो खाली पड़े हैं रेलवे में, लंबे समय से इन्हें भरने की मांग उठ रही है, लेकिन इन्हें न भरने के पीछे की नियत का पता अब चला है, क्योंकि निजी कंपनियों को इतना बड़ा बोझ उठाने में मुश्किल होती। याद कीजिए रेलवे ने जोन प्रबंधकों को पत्र लिखकर नई भर्तियां नहीं करने और खाली पदों में 50% कटौती की बात कही थी। इस पर विवाद शुरू हुआ तो रेलवे अपनी बात से मुकर गया, लेकिन यह कोई नई और छिपी हुई बात नहीं है कि भारतीय रेलवे अब निजीकरण की पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रहा है। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है भाई। नवीन कुमार जी ने एक एक करके सारी बातें बताई है, जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लोगों की नौकरियां खत्म की जा रही है, और इससे भोजन समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी बताया गया है। तो पूरा वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, फटाक से कमेंट बॉक्स में जाओ और अपना ओपिनियन टाइप करो। तो गाइस अब हम सबसे बड़े मुद्दे की बात करेंगे जो भोजन समाज का भी चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा राजस्थान में क्या ड्रामा चल रहा है, गहलोत अपनी सरकार बचाना चाहते हैं और पायलट अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसके बीच में अब BSP कुछ पड़ी है और BSP ने एक व्हिप जारी कर दिया है। हाँ भाई एक व्हिप जारी कर दिया है जिसमें BSP ने कहा है कि जो BSP के विधायक कांग्रेस में चले गए थे उनको अमान्य घोषित किया जाए। और BSP का कहना है कि जितने भी 6 विधायक थे BSP के वो कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करे, कांग्रेस के विरुद्ध वोट करे असेंबली में विधानसभा में अगर कुछ होता है ऐसा। तो ये बात खुद BSP के बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताई है, तो ये वीडियो देखो। और हमने उसमें एक व्हिप भी जारी कर दिया, व्हिप हमने इंक्लोज किए उसमें, व्हिप जारी किए। व्हिप में हमने ये कहा है कि अगर वहाँ पर असेंबली में कोई भी
वहाँ पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या और कोई भी मैटर होता है, तो असेंबली सेशन बुला करके, तो उसमें आप जो हैं किसी भी तरीके से, आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके अपोजिशन में देंगे। उसमें नोटिस में हमने उनको ये भी आगाह किया है, हमने सारे फैक्ट्स फिगर्स लिखे हैं कि आपने किस तरीके से जो इलीगल एक्शन लिया है। भाई फुल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। मुझे ऐसा लगता है बीएसपी ने व्हिप जारी करके अब कांग्रेस की मारने का काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई बीएसपी का साफ कहना है कि दल बदल कानून के तहत हम लोग हमारे विधायकों पर, जो भी 6 विधायक बीएसपी से कांग्रेस में गए थे, उनके ऊपर जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, या फिर उन 6 विधायकों को कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करना होगा, असेंबली के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध वोट करना होगा, साफ साफ बीएसपी ने कह दिया है। अब इसको लेकर बीएसपी के विरोधी लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो गए हैं और बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं। उनका कुछ भद्दे कमेंट है कि हाथी ने अब खाकी चड्डी पहन लिया है, मतलब वो आरएसएस में शामिल हो गया है, मायावती जी अब आरएसएस की वो बन गई है, एजेंट बन गई है, इस टाइप से वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं। अब मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी वामपंथी पत्रकार है जिनका नाम है आरफा खानून शेरवानी, वो लिखती है, शॉर्ट में बता देता हूं कि बहन जी आप कब तक बीजेपी को बाहर से समर्थन देती रहेगी, आप कब बीजेपी ज्वाइन कर रही है। तो चाची जान मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कब तक देश की टुकड़े टुकड़े गैंग, आज़ादी गैंग, कन्हैया कुमार गैंग को बाहर से समर्थन करती रहेगी, आप कब उनकी गैंग ज्वाइन कर रही हो, आप भी तो उनकी गैंग की हो। अब भाई इसी स्टोरी को लेकर अगली अपडेट ये आ रही है कि बिहारी सुल्तान के आरडी भारती जी बोलते हैं, क्या भारत में दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी दो ही आपस में लड़ेगी, क्या बीएसपी का कोई अपना मत नहीं है, अगर बीएसपी नहीं चाहती कांग्रेस को वोट करना, सपोर्ट करना, तो क्या बीएसपी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन कुछ बहुजन समाज के लोग क्यों बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं, क्यों उसको भला बुरा कह रहे हैं, क्या कांग्रेस हमारी पार्टी है, वाकई कांग्रेस हमारी पार्टी है, ऐसा कहना है उनका, तो ये वीडियो देखो। और कांग्रेस के जो बहुजन समाज के नेता हैं अथवा जो भी समर्थक हैं, वो बहन मायावती जी को कोस रहे हैं कि मायावती ने ये क्या कर दिया, ये भाजपा से मिल गई है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई अधिकार नहीं, कोई अपनी नैतिकता नहीं, क्या अपने विधायकों को खोजे नहीं, क्या बहुजन समाज पार्टी सोचने विचारने के लिए स्वतंत्र नहीं, सारे अधिकार संवैधानिक जो है बहुजन समाज पार्टी के पास भी है और उसका ये हक है कि अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करे। फुल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। आरडी भारती जी का कहना यही है और बीएसपी अपने संविधान के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो पूरी स्वतंत्र है कि उसको क्या फैसला लेना है, उसको कांग्रेस का सपोर्ट करना है या नहीं करना है, बीएसपी खुद फैसला लेगी। लेकिन कुछ बहुजन समाज के लोगों को तकलीफ हो रही है तो वो लोग बर्नोल लगा ले भाई, ऐसा उनका कहना है। और बाकी इसमें मेरा ओपिनियन ये है भाई कि बीएसपी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि भाई पहले के दौर में कांग्रेस ने हमारी बहुत मारी है, हमें बहुत ठोका है, बहुत यूज़ किया है बहुजन समाज के लोगों को, तो अब हमें मौका मिला है तो हम क्यों ना उसकी ठोके, क्यों ना मारे, तो मारो ना भाई, बीएसपी बहुत सही कर रही है, मैं तो बीएसपी के साथ हूँ। क्या आप लोग बीएसपी के साथ है या नहीं है, नीचे कमेंट करके बताइए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतने, वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अभी तक आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो लाल कलर के बटन को दबाओ, तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही पाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।